कहानी की शुरुआत होती है जयपुर में सबसे पहले जो है अपना जल महल से। ये अपना जल महल है जहां अभी मैं इसके सामने खड़ा हूं। ये जल महल जो है आमेर से पहले पड़ता है ये, और जयपुर रेलवे स्टेशन से यहां आने का क्या रास्ता है वो सामने रोड है। उस रोड पर आपको ऑटो से या टैक्सी से भी आप आ सकते हो, ओयो बुक करके भी आप आ सकते हो। अभी हमने यहाँ पर किया था रेलवे स्टेशन जयपुर से यहाँ तक आने के लिए बैटरी रिक्शा लेके आया हमें, 50 रुपये एक सवारी के लिए उसने। और कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जल महल का एरिया है ये। यहाँ पर आपको जो है तरह तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पर ख़रीदने के लिए, और जैसे यहाँ की ड्रेस वगैरह है, ड्रेस पहन के यहाँ पर फोटोग्राफर मिल जाते हैं फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। बच्चों के लिए ये गाड़ियाँ हैं शाम को घूमने के लिए। सामने जो है पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है, जैसे वहाँ पर वो लोग ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे ही आप ड्रेस लेकर के यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। वहाँ जो वो पहाड़ी दिखाई दे रही है उस तरफ जो है वहाँ भी किले हैं कई, और ये इसका गेट है जहाँ से आप अंदर आते हो। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं वो सामने, इस झील में नहाना वर्जित है। तो ये कुछ कायदे कानून, और ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। वो जो महल दिखाई दे रहा है वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहले बोट वगैरह चलती थी, अभी फिलहाल बंद है। जल महल जो है ये बिल्कुल रोड पर ही है, सड़क के ऊपर ही। सामने रोड है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ियों से टैक्सी से जैसे भी आप यहाँ पर आओगे तो वो आपको जो है यहीं पर इसी रोड पर ही उतार देंगे। ये रोड है सामने, यहीं से ही आपको ऑटो बैटरी रिक्शा और भी कई सारे साधन हैं जो आपको मिल जाएंगे यहाँ से स्टेशन के लिए या फिर जयपुर बस स्टॉप तक जाने के लिए। और खाने पीने के लिए भी यहाँ पर स्ट्रीट फूड आपको काफ़ी मिल जाएगा। आप कर सकते हो यहाँ पर जूस वगैरह है, पानी वगैरह है ड्रिंकिंग के लिए। यहाँ पर जो है गर्मी में पानी वगैरह जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है टूरिस्ट तो हैं यहाँ पर, लेकिन शाम के समय यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी टूरिस्टों की संख्या थोड़ी कम ही है यहाँ पर। बस ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की वीडियो बनाएंगे क्या रहेगा आगे का नज़ारा। नाहरगढ़ फोर्ट है, आमेर का किला है, जो भी है वहाँ पर जाएंगे वहाँ की भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल जो है जल महल तक ही हम आए थे, और ये जल महल कैसा लगा आप ज़रूर बताएं वीडियो में कमेंट करके। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना करके छोटी सी वीडियो में जो है पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ।